नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे ट्रोइकोफ डी सिरप का। ये ट्रोइकोफ डी सिरप ड्राई कफ सिरप है, तो जिन लोगों को सूखी खांसी आती है या बिना कफ वाली खांसी आती है तो उसके लिए यूज़ होता है ट्रोइकोफ डी सिरप। ये ट्रोइका कंपनी मैन्युफैक्चर करता है और इसकी प्राइस है 83 रुपी 100 ml का पैक ये रहता है और रेड कलर में इसे अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम इसके जानते हैं कि ट्रोइकोफ डी सिरप में कौन कौन सी दवाई है। तो इसमें डेक्सट्रोमिथोरफान, फिनाइल एफरीन और क्लोरफेनिरेमाइन, यह तीन दवाई है। अब हम जानते हैं किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो ये जो डेक्सट्रोमिथोरफान है वो एक इसका मेन दवाई है जो सूखी खांसी में यूज़ होता है, ड्राई कफ के लिए बेस्ट ड्राई कफ सिरप है। ठीक है, तो जो हमारे दिमाग में कफ सेंटर रहता है उसकी एक्टिविटी को ये सप्रेस कर देता है, उसे दबा देता है ये डेक्सट्रोमिथोरफान दवाई। तो हमारा दिमाग में जो कफ सेंटर है, जो कफ प्रोड्यूस करता है, उस कफ बनाने के जो कफ बनता है उसे सेंटर को वो सप्रेस कर देता है, उसकी वजह से नए कफ बनते नहीं है और हमें जो जिस कफ की वजह से खांसी आती है वो खांसी भी बंद हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से डेक्सट्रोमिथोरफान यूज़ होता है। इसके अलावा इसमें फिनाइल एफरीन, तो जब भी हमें सर्दी या खांसी होती है तो उसकी वजह से हमारा नाक बंद हो जाता है, तो फिनाइल एफरीन यही काम करता है कि वो बंद नाक को ओपन कर देता है, वो नेजल डेकोंजेस्टेंट है दवाई। ठीक है, नाक को ओपन करना उसका काम है फिनाइल एफरीन का। और तीसरा दवाई है क्लोरफेनिरेमाइन, तो वो एक एंटी एलर्जिक दवाई है, तो हमें हमारी बॉडी में जब भी हिस्टामिन बनता है तो उस हिस्टामिन की वजह से हमें खांसी आती है, नाक में से पानी निकलता है, आंखों में से पानी निकलता है, सर्दी हो जाती है। ठीक है, एलर्जी की वजह से, हिस्टामिन की वजह से। तो ये क्लोरफेनिरेमाइन है वो एंटी एलर्जिक ड्रग है, एंटी हिस्टामिन की ड्रग है, हिस्टामिन की जो एक्शन होती है उसे दबा देता है, उसे सप्रेस कर देता है, तो उसकी वजह से हमें वो जो आंखों में से पानी निकलता है, नाक में से पानी निकल रहा है या फिर सर्दी हो जाती है, स्नीजिंग होता है, वाटर आइज हो जाती है, वो कुछ भी नहीं होता है, वो ब्लॉक हो जाता है उसकी एक्शन। ठीक है, तो इस तरह से क्लोरफेनिरेमाइन यूज़ होता है। अब हम दोस्तों इसका डोज की बात करें तो ये ट्रोइकोफ डी सिरप जो 10 साल से ऊपर के लोग हैं उसको 10 ml तीनों टाइम खाने के बाद लेना है, और जो बच्चे हैं यानी कि 5 से 6 साल के बच्चे हैं उसको 5 ml तीनों टाइम खाने के बाद देना है। ये स्पेशली ड्राई कफ के लिए यूज़ होता है, यानी कि आपको ज़्यादा कफ नहीं हो रहा है फिर भी खांसी आती है और लगातार खांसी आती है, उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, और हम इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो इसकी वजह से आपको नोजिया या फिर वोमिटिंग हो सकता है, या फिर हेडेक यानी कि सिर दर्द हो सकता है, या फिर भूख कम लगती है यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, ये भूख कम लगना ये इसके साइड इफेक्ट है। जब भी ये आप सिरप लेंगे तो ये कुछ महीनों से साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था रिव्यू ट्रोइकोफ डी सिरप का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसे जोर से दबा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।